हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल वर फाइन। सो आज जो रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है। सो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकली हुई हैं और अभी मैं नोटिफिकेशंस आपको बताऊंगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है दिल्ली गवर्नमेंट ने। सो आप जो भी टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हम चीज़ों को डिटेल्स में देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे। सो ये दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। सो मैं भी आपको इसमें बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या पूरा प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, सारी चीज़ें बताऊंगा। सो हम सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और नोटिफिकेशंस को देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है जो उन्होंने जारी किया है। सो अब हम चीज़ों को देखते हैं, वैकेंसीज़ कितनी हैं वो सारी चीज़। इसकी ओपनिंग डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो 25 मई 2021 से शुरू हो चुकी है और इसकी 24 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। सो इस बीच आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं हम कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। सो अब देखते हैं पोस्ट, ट्रेनिंग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हिंदी के लिए और वो भी फीमेल, तो उसकी पोस्ट कितनी है वो देखते हैं। इसमें पे स्केल जो होने वाला है वो 46,000 होने वाला है, 4600 पे स्केल होने वाला है। और आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं, एसटी के लिए 85, एससी के लिए 39, सो इतनी ये तो, और 310 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 91, ईडब्ल्यूएस के लिए 20। सो आप इसको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप पॉज करके वीडियो को अपनी कैटेगरी से जाके वैकेंसीज चेक कर सकते हैं कितनी है, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए देख सकते हैं, सेम पे स्केल है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स नेचुरल साइंस के लिए मेल, सेम पे स्केल देख सकते हैं, सबका पे स्केल सेम है मोस्टली, ठीक है ना। सो उसके बाद नेचुरल साइंस फीमेल के लिए भी 4600 पे स्केल होने वाला है, पोस्ट देख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मैथ के लिए फीमेल 4600 होने वाला है पे स्केल। और उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मैथ्स के लिए मेल, उनका भी पे स्केल सेम होने वाला है। सोशल साइंस के लिए मेल सेम 4600 पे स्केल और सोशल साइंस फीमेल 4600 पे स्केल, ठीक है ना। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल चाहिए, उसका भी पे स्केल 4600 होने वाला है, ठीक है ना। पोस्ट देख सकते हैं कितनी है, एक पोस्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद असिस्टेंट टीचर चाहिए प्राइमरी के लिए, उसका 4200 पे स्केल है और टोटल वैकेंसीज दे रहा है ईडब्ल्यूएस की 38। सो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए चाहिए, उसका पे स्केल कम है, 4200 है, ठीक है ना। और जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट चाहिए, उसका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर उसका 1900 पे स्केल दिया जाएगा, पे ग्रेड। और काउंसलर के लिए 4200 पे स्केल दिया जा रहा है और हेड क्लर्क के लिए 4600 पे स्केल दिया जाएगा, ठीक है ना। और कैटेगरी देख सकते हैं, नेम डिपार्टमेंट का देख सकते हैं वीडियो। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 4200 पे स्केल दिया जाएगा और टोटल वैकेंसीज आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो पोस्ट है। और पटवारी के लिए 2000 पे स्केल दिया जाएगा और पोस्ट देख सकते हैं आप कितनी है। सो अब आगे चीज़ों को हम देखते हैं कि ये देख सकते हैं सबके लिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है ना, सारी चीज़ों को। सो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है हिंदी के लिए, ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए बीए मांगा गया है, ऑनर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है ना, कंसर्न और बीए विथ एमएल। और कितने परसेंट मार्क्स होने हैं, 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके किसी भी एडिशनल लैंग्वेज में, ठीक है ना। और यह आपके ओरिएंट डिग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना। और या तो आपका फिर या साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य से आपके 45 आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। सो आप इसको पॉज करके
नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैट कर रहे हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। बस आप और इसमें पे स्केल क्या होने वाला है और देख सकते हैं 34,800 के आसपास, 4600 पे स्केल होना, सैलरी आपकी 9,300 से 34,800 होने वाली है, ठीक है ना। सो उसके बाद हम देखते हैं हिंदी मेल के लिए मोस्टली ऑलमोस्ट सेम, आपको बीए ऑनर्स होना चाहिए या, ठीक है ना, 45% मार्क्स के साथ या हिंदी साहित्य में होना चाहिए आपका, ठीक है ना। सो सेम पे स्केल है, सब चीज़ सेम है। सो मैं इसको नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पोस्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। सो आप उनको सारी पोस्टों को देख लीजिएगा जिसमें भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मैट कर रहा हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है ना। तो अब मैं आगे देखता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपीज़ जो है आपको पे करने हैं, ठीक है ना। पेमेंट मोड जो है 100 रुपीज़ पेमेंट करना है। और उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, 1 टायर एंड 2 टायर एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ 1 और 2 टायर टेक्निकल पोस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद मेरिट जनरेट होगी, मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। सो ये था आपका, और ये है सिलेबस जो आपको रीड करना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, आपके ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो आपको ये आना चाहिए, सारे सिलेबस को आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। सो आप नोटिफिकेशंस को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं डाउनलोड कर लीजिएगा आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से नोटिफिकेशंस को पढ़िएगा और सारी चीज़ों को फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा, ठीक है ना। आप डाउनलोड करके इसे डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, आपको कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ों को आपको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।